जय जिनेंद्र, जय महावीर। इस युग के जो आदि नृपति थे और प्रथम मुनिव्रतधारी, प्रथम तीर्थकर्ता थे, वे ही ऋषभ स्वामी जय जयकारी, ऋषभ स्वामी जय जयकारी। आज हम 24 तीर्थंकर में से पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ भगवान कहो, उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। आदिनाथ भगवान का 13वां भव आदिनाथ भगवान का था। कुल मिलाकर उनके 13 भव थे। तीसरे आर्य में आषाढ़ कृष्णा चतुर्दशी के दिन उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में ऋषभदेव का जीव सर्वाद्ध सिद्ध देवलोक से चवन कर नाभि कुलकर की जीवन संगिनी मरु देवी के पवित्र कुक्षी में 3 ज्ञान सहित पधारे। उस रात्रि में माता ने 14 महास्वप्न देखे। पिछले वीडियो में हमने वो 14 महास्वप्न क्या थे वो देखे और समझे। गर्भकाल पूरा होने पर चैत्र कृष्णा अष्टमी की मध्य रात्रि में माता मरुदेवा ने एक पुत्र तथा एक पुत्री को युगल रूप में जन्म दिया। 64 इंद्र और सहस्रों देवों ने पृथ्वी पर आकर भगवान का जन्मोत्सव मनाया। इतनी बड़ी संख्या में देवों को देखकर योगलिक भी इकट्ठे हो गए। उत्सव विधि में अपरिचित होने पर भी देखा देखी सभी ने मिलकर जन्मोत्सव मनाया। इस प्रकार अवसर पिनी काल में सबसे पहले भगवान का ही जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव के बाद नामकरण का अवसर आया। बालक का क्या नाम रखा जाए, इस संबंध में कुलकर नाभि ने कहा, जब बालक गर्भ में आया था तब माता ने पहला स्वप्न ऋषभ का देखा था और इसके उरस्थल पर भी ऋषभ का चिन्ह है, अतः मेरी दृष्टि से बालक का नाम ऋषभ कुमार रखा जाए। उपस्थित सभी युगलों को यह नाम उचित लगा और सभी ने बालक को इसी नाम से पुकारा। पुत्री का नाम सुनंदा रखा गया। ऋषभ प्रथम राजा, प्रथम भिक्षाचर, प्रथम जीन, प्रथम तीर्थंकर बने। वंश, योगलिक युग में मानव समाज किसी कुल, जाति या वंश के विभाव में विभक्त नहीं था, अतः ऋषभ का भी कोई वंश जाति नहीं थे। जब ऋषभ 1 वर्ष के हो गए तो एक दिन वे अपने पिता की गोद में बैठे हुए बाल क्रीड़ा कर रहे थे। तभी इंद्र एक थाल में विविध खाद्य वस्तुएं सजाकर लाए। यह देखकर ऋषभ कुमार गुड़ालिया चलकर इंद्र के पास पहुंचे और सर्वप्रथम इक्षु गन्ने का टुकड़ा उठाकर चूसने का प्रयत्न किया। बालक ऋषभ के इस प्रयत्न को ध्यान में रखकर इंद्र ने कहा, बालक को इक्षु प्रिय है, अतः आगे इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश होगा। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना के साथ ही वंश परंपरा का प्रारंभ हुआ। अन्य तीर्थंकर बाल्यावस्था में अंगूठे में संचारित अमृत पान करते हैं, बाद अग्नि पक्व आहार करते हैं, परंतु ऋषभ देव तो देवगुरु उत्तर कुरुक्षेत्र से देवों द्वारा लाए हुए कल्प वृक्षों के फल का आहार करते थे। ऋषभ भगवान का विवाह। युगलिक युग में विवाह पद्धति का प्रचलन नहीं था। जो स्त्री पुरुष के रूप में युगल पैदा होते वे ही पति पत्नी के रूप में संबंध स्थापित करते। बहु पत्नी प्रथा का प्रचलन नहीं था। सर्वप्रथम ऋषभ कुमार का विवाह 2 कन्याओं के साथ किया गया। 2 कन्याओं में एक उसके साथ जन्मी हुई सुनंदा थी और दूसरी अनाथ कन्या सुमंगला थी। अब तक अकाल मृत्यु नहीं होती थी, पर अब धीरे धीरे काल का प्रभाव हुआ। एक दुर्घटना घटी। एक जोड़ा था, उसमें पुत्र मर गया, पुत्री बच गई। थोड़े समय बाद उसके माता पिता मर गए। नाभि कुलकर ने उस कन्या सुमंगला को ऋषभ की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। यही से विवाह पद्धति प्रारंभ हुई और इंद्र इंद्रायणी द्वारा रस्म करवाई गई। भगवान के संतान। योगलिक युग में हर युगल के जीवन में एक बार संतानोपति होती है और वह भी युगल के रूप में, परंतु ऋषभ देव को 100 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। सुनंदा के तो एक ही युगल पैदा हुआ, बाहुबली और सुंदरी, और सुमंगला के 50 युगल जन्मे, जिनमें प्रथम युगल में भरत और ब्राह्मी का जन्म हुआ। शेष उन 50 युगलों में पुत्रों के रूप पैदा हुए। उनके बाद अन्य युगल दपंतियों के भी अनेक पुत्र और पुत्रियां होने लगी। भगवान का राज्याभिषेक। जब काल हीना तिहीन आने लगा तब कल्प वृक्षों की महिमा कम हो गई। युगलीय परस्पर लड़ाई करने लगे। हकार मकार धिकार इन तीनों दंड नीति का उल्लंघन करने लगे। नाभि कुलकर तो
वृद्ध हो गए। युगलिक ऋषभ कुमार के पास अपनी शिकायत करने लगे कि हमारा न्याय करो। प्रभु ने कहा, लोगों में जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं उन्हें दंड देने वाला राजा होता है, मैं राजा नहीं हूँ। युगलिया ने कहा, आप ही हमारे राजा हो। तब प्रभु ने बताया कि तुम नाभि कुलकर के पास जाकर उनसे राजा की याचना करो। उनके बाद युगलिक नाभि कुलकर के पास जाकर राजा की याचना की। तब नाभि कुलकर ने कहा कि तुम्हारा राजा ऋषभ ही बने। यह सुनते ही हर्षित हुए युगलियों ने प्रभु के पास जाकर यह हकीकत निवेदन करके प्रभु का राज्याभिषेक करने हेतु पानी लेने के लिए सरोवर की ओर गए। उस समय शक्रेंद्र का सिंहासन कंपित हुआ। इंद्र अवधि ज्ञान से ऋषभदेव का राज्याभिषेक काल जाना और शीघ्र ही देवों ने सहित प्रभु के पास आए और इंद्र आकर राज्य योग्य मुकुट कुंडल हार आदि पहनाकर सिंहासन स्थापित कर प्रभु का राज्याभिषेक किया। इतने में वे युगलिक जन कमल के पात्रों में पानी भरकर वहां आ पहुंचे और भगवान का सारा शरीर अलंकारों से अलंकृत और वस्त्रों से भूषित देखकर दोनों चरण के अंगूठे पर जल चढ़ाया। इंद्र ने उनका विनय विवेक देखकर कहा, यह लोग बहुत विनीत है। इनसे इंद्र ने इस नगरी का नाम विनीता नगरी नाम स्थापित कर दिया। राज्याभिषेक के पश्चात ऋषभ देव ने राज्य की सुव्यवस्था और विकास के लिए चार प्रकार के कुल बनाए। उनके नाम उग्र, भोग, राजन्य और क्षत्रिय। उसके बाद उन्होंने धर्मानुकूल लोक व्यवस्था, राष्ट्र की सुरक्षा और उत्तम व्यवस्था कर लेने के पश्चात ऋषभदेव ने लोक जीवन को स्वावलंबी बनाना अवश्य समझा। राष्ट्रवासी अपना जीवन स्वयं सरलता से बिता सके ऐसी शिक्षा देने के विचार से उन्होंने असी मसी कृषि कर्म का प्रजा को उपदेश दिया। असी कर्म मतलब ऋषभदेव ने एक ऐसा वर्ग बनाया कि लोगों की सुरक्षा का दायित्व संभालने में सक्षम हो और उन्हें तलवार भाला शस्त्र चलाना सिखाए, साथ में कब किस पर इन शस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए इसका भी निर्देश दिया और वे लोग देश की सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। इस वर्ग को क्षत्रिय नाम से पुकारा गया। मसी यानी साई, मसी कर्म तात्पर्य लिखा पड़ी है। ऋषभदेव ने एक ऐसा वर्ग बनाया कि जो उत्पादन की गई वस्तुओं को विनियमित कर सके, एक दूसरे तक पहुंचा सके। प्रारंभ में मुद्रा का प्रचलन सीमित था, वस्तु से वस्तु का विनिमय होता था, उनका हिसाब रखना जरूरी था। कौन सी वस्तु का विनिमय किस मात्रा में होता है जानना भी जरूरी था। इसके लिए कुछ लोगों को प्रशिक्षित मतलब उनको अच्छा एजुकेशन दिया और उनको व्यापार इसे करने वाले को व्यापारी कहकर पुकारा गया। तीसरा, कृषि कर्म शिक्षा। राजा बनते ही ऋषभदेव ने खाद्य समस्या का समाधान किया। उन्होंने लोगों को एकत्रित किया और कहा, अब कल्प वृक्षों की क्षमता कम होने लगी है। समय के साथ उन्होंने फल देने बंद कर दिए है, अतः ऐसी स्थिति में श्रम करना होगा, खेती में अनाज बोना होगा। ऋषभदेव ने इस आह्वान पर हजारों नवयुवक खड़े होकर श्रम करने के लिए संकल्पबद्ध हो गए और ऋषभदेव ने उन्हें कृषि मतलब खेती कैसे करनी चाहिए उसका एजुकेशन दिया। कृषि के साथ अन्य सभी आवश्यकताओं को पूर्ति के उपाय भी सिखाए। कला प्रशिक्षण। भगवान ऋषभदेव ने सर्व कलाओं में कुशल थे, अतः लोगों को स्वावलंबी कर्मशील बनाने के लिए विविध प्रकार की शिक्षा दी, कला का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने सोकल्प असी मसी कृषि रूप कर्मों का कार्य लोगों को सक्रिय ज्ञान कराया। इसके साथ ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को लेख गणित नाट्य गीत स्वर्गत शास्त्र विद्या आदि 72 कलाएं सिखाई। कनिष्ठ पुत्र बाहुबली को प्राणी की लक्षण विद्या का उपदेश दिया। उनके अतिरिक्त धनुर्वेद अर्थशास्त्र चिकित्सा शास्त्र क्रीड़ा विधि आदि विद्याओं का प्रवर्तन कर लोगों को सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत बनाया। और इसी प्रकार उन्होंने क्या किया पता है, अपनी जो बड़ी पुत्री ब्राह्मी को 18 लिपियों का ज्ञान कराया और छोटी पुत्री को सुंदरी को अंक विद्या और गणित का अध्ययन कराया। इन विद्याओं का सर्वप्रथम शिक्षण ब्राह्मी और सुंदरी के रूप में नारी जाति को प्राप्त किया। ब्राह्मी जिस लिपि का अध्ययन किया वह लिपि का नाम ब्राह्मी रखा गया। आज भी विश्व में ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम मानी जाती है। भारतवर्ष एवं आसपास देवनागरी आदि प्राय सभी लिपियां इसी से निकली हुई है। इस प्रकार सम्राट श्री ऋषभदेव ने प्रजा के हित के लिए पुरुषों को 72 कलाएं 72 कलाएं और स्त्रियों को 64 कलाएं मतलब 64 कलाएं और 100 प्रकार के शिल्पों का परिज्ञान क
कराया। ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति सम्राट भरत के शासन काल में हुई। ब्रह्मचर्य का पालन करने से या ब्रह्म आत्मा की चर्चा में लीन रहने के कारण उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। विवाह प्रथा, भगवान ऋषभदेव ने काम वासना पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से शादी की व्यवस्था प्रचलित की। शादी से पहले का जीवन संयमित बनाए रखना अनिवार्य घोषित किया। लोग पत्नी के अतिरिक्त अन्य सभी के साथ निर्विकार संबंध रखने के आदि हो गए। इसके अतिरिक्त बहन के साथ शादी भी वर्जित कर दी गई। भाई बहन का पवित्र संबंध जो हम आज देख रहे हैं, वह भगवान ऋषभदेव की ही देन है। लोकांकित देवों की धर्म तीर्थ प्रवर्तक के लिए प्रार्थना। प्रभु का दीक्षा समय समीप आकर लोकांतिक देवों ने आकर अपने शाश्वत आचार के अनुसार प्रभु से संयम मार्ग प्रवर्तन हेतु प्रार्थना की। देवताओं के जाने के बाद अपनी स्थिति का स्मरण कर प्रभु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य स्थान पर बिठाया। अन्य पुत्रों को अपने अपने नाम के देशों में अधिपति किया और संसार से विरक्त हो गए। वार्षिक दान, संसार से वैराग्य भाव धारण कर प्रभु ने सांवत्सरिक दान देना प्रारंभ किया। दीक्षा के दिन से एक वर्ष पूर्व प्रभु ने नित्य प्रातःकाल वार्षिक दान प्रारंभ कर दिया। दान देने का समय सूर्योदय से लेकर मध्याह्न समय तक था। यह दान बिना भेदभाव देते थे। शास्त्रकारों के अनुसार प्रतिदिन 1,08,00,000 और एक वर्ष में 388,80,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान करते थे। अभी तक हमने ऋषभदेव भगवान के बारे में आधा ही जाना, बहुत सुंदर वर्णन है। अगले वीडियो में फिर से ऋषभदेव भगवान के ही बारे में जानेंगे। आप मेरे साथ बने रहना। तीर्थंकर का चरित्र सुनने में इतना अच्छा और इतना सुंदर लगता है कि सही में हम में भी तीर्थंकर बनने की क्षमता है, तो हम भी उनके जीवन से अच्छी बातें सीखें और समझें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तीर्थंकर चरित्र ऋषभदेव भगवान का सेकेंड वीडियो, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर। हम है वीर के सुपरस्टार, हम है वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुंचाने आए हम वीर के सुपरस्टार, हम है वीर के सुपरस्टार।